ओए छोड़ ना हाँ ओए मेरे बहुत सारे पैसे हैं उसमें। हाँ मैं लोकेशन पे पहुंच गया हूँ। हाँ वो लड़का बस आने वाला होगा, उसके पास पैसों का बैग भी होगा, आज बैग ले लूंगा और उसे निपटा दूंगा। आ रहा है वो, मैं फोन रखता हूँ। हाँ बस मैं 5 मिनट में आने वाला। साहब क्या है, दूर हट मेरे से। ये कौन है? अरे साहब मेरी बात तो सुनो। अबे मेरे पास कुछ नहीं है, जा यहाँ से। ओए छोड़ मेरा हाथ। ओए मेरे बहुत सारे पैसे हैं उसमें। ओए छोड़ नहीं मेरा बैग दे। साहब तू मेरा बैग दे दे। मेरे पैसे, मेरे डॉक्यूमेंट तो सब यहाँ हैं। जब तुम्हें कुछ चुराना ही नहीं था तो लेके क्यों भागी? साहब वहाँ पर ना एक आदमी है, मैंने उसे बात करते हुए सुना था कि वो आपके ये सारे पैसे चुराने वाला है। मैंने आके आपको बताने की भी कोशिश की पर आपने मेरी बात ही नहीं सुनी, इसलिए मुझे मजबूरन ये करना पड़ा। अच्छा सब समझ गया मैं, जब तू पकड़ी गई तो कहानियां बना रही है। चोर नहीं गई की भगवान की वजह से बच गया मेरा बैग। मुझे तो लगा था तू मेरे हाथ से निकल गया, उस लड़की के चक्कर में मेरा पूरा प्लान खराब हो रहा था, लेकिन देख तू दोबारा आ गया। अब तू चुपचाप ये बैग मुझे दे। मैं नहीं दूंगा तुम्हें अपना बैग, मेरे इसमें पैसे और डॉक्यूमेंट्स हैं। सुन बैग तो मैं तुझसे ले ही लूंगा, पर जो तूने मुझे परेशान किया है ना इसकी भरपाई तो तुझे करनी पड़ेगी। देख एक सफाई वाले ने तेरा पूरा प्लान चौपट कर दिया, अब तो मैं तुझे पुलिस में पकड़वा दूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने मेरे को सही समय पर आकर सब कुछ बता दिया। जब तू पकड़ी गई तो कहानियां बना रही है। नहीं साहब मैं कोई कहानी नहीं बना रही, अगर मेरे को ये चुराना ही होता तो मैं यहाँ आपके पास क्यों आती, मैं तो भाग भी सकती थी ना। साहब मैं सच बोल रही हूँ, वहाँ पे सच में कोई आदमी है, उसके पास ना चाकू भी था, बहुत खतरनाक लग रहा था, इसलिए मेरे को जो सही लगा मैंने वो किया। बात तो तुम सही कह रही हो, अगर तुम्हें चुराना ही होता तो मेरे पास वापस लौट के क्यों आती, अब करना क्या है? पर साहब हम एक काम करते हैं, आप ना वहाँ वापस जाओ और जब वो आदमी आपके पास ये बैग चुराने आएगा ना तो मैं पीछे से उसके सर पे कुछ मार के उसे बेहोश कर दूंगी, उसके बाद आप उसे पुलिस में पकड़वा देना। ठीक है मैं जा रहा हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आज आपकी वजह से मेरे पैसे और डॉक्यूमेंट्स बच पाए हैं, वरना मुझे प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती। अरे नहीं नहीं साहब मैंने तो बस इंसानियत के नाते अपना फर्ज निभाया है। आप मेरी कंपनी में जॉब करोगे? साहब मैं आपकी कंपनी में क्या ही जॉब करूंगी, ना मैं पढ़ी लिखी हूँ और ना ही मुझे कुछ करना आता, मुझे तो बस साफ सफाई आती है। साफ सफाई तो करना आता ही है ना आपको, अब वो कर लेना मेरी कंपनी में और धीरे धीरे आप चीजें सीखना शुरू कर दोगे तो आपकी मैं पोस्ट बढ़ा भी दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद साहब, आज तक तो मैंने बस सुना ही था कि अगर आप सच्चाई और ईमानदारी की राह पे चलते हो तो आपके साथ भी ऊपर वाला अच्छा करता है, पर आज मैंने देख भी लिया आप मेरे लिए किसी फरिश्ते से कम नहीं हो। एक मिनट ये लो कुछ पैसे, अपने लिए कुछ अच्छे कपड़े ले लेना। साहब ये मैं कैसे रख सकती हूँ? अरे रख लीजिए, जो आपने इतनी बड़ी मदद की है ना उसके लिए शायद ये बहुत कम है, पर आप ले लीजिए। ठीक है कल से मेरी कंपनी में आ जाना आप।